कहानी के शुरुआत के स्टार्टिंग में रिस नाम की लड़की फोन से घिरी एक चैम्बर में बंद थी। उन सारे टेलीफोन्स में केवल एक ही काला टेलीफोन था। इस पर कुछ कोड लिखा हुआ था। अगले पल ही टेलीफोन बजने लगा। रिस ने फोन कान पे लगाया। उसे एक आवाज सुनाई दी, मुबारक हो, तुम रॉयल फ्लश की जाओगी। ये वाक्य रिस के पल्ले नहीं पड़ा। उसने टेलीफोन पर चिपकाए नंबर पर ही कॉल कर दिया। उसके ऐसा करते ही सारे ही टेलीफोन बजने लगे। अब हर एक टेलीफोन से वही वाक्य सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे सभी टेलीफोन से पानी निकलने लगा। देखते ही देखते चैम्बर पानी से काफी हद तक भर चुका था। रिस को ऊपर एक कमोड नजर आया। उसे लगा शायद फ्लश करने पर सारा पानी बाहर निकल जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ी, पर वहाँ पर फ्लश का नामो निशान नहीं था। उसने आखिरी मौका समझकर टेलीफोन पर चिपकाए नंबर पर कॉल किया। नंबर डायल करते ही टेलीफोन खुलकर उसमें से एक हैंडल निकला। उस हैंडल से लीवर घुमाते ही सारा पानी निकल गया। अब रिस पूरी तरह सुरक्षित थी, पर ये सच्चाई नहीं थी। दरअसल ये सब एक स्टिमुलेशन गेम का हिस्सा था। इस समय पर VR पर स्टिमुलेशन गेम खेलना बहुत ही आम बात हो चुकी थी। घर आने पर वो अपने पिता से बात करते करते खाना खाने लगी। माँ के गुजरने के बाद पिता क्रिस ने ही रिस की देखभाल की थी। उसी रात एक बहुत बड़े शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई। बिजली के साथ ही इंटरनेट का कनेक्शन भी कट गया। छोटा मोटा प्रॉब्लम समझकर क्रिस ने रिस को दिलासा देते हुए कहा, ये थोड़ी ही देर में लाइट आ जाएगी। पर दरअसल ये बहुत बड़ी बात थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से रिस का कंप्यूटर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। रिस अपना लैपटॉप लेकर लाइट आने का इंतजार करने लगी। तभी क्रिस एक लालटेन लेकर आया। उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए पलों को कैमरे में कैद कर रखा था। अपनी मरी हुई माँ को देखकर रिस भावुक होकर अपने पिता के कंधों पर सर रखकर सो गई। देर रात को किसी चीज की आवाज की वजह से रिस की आँख खुल गई। अपने पिता को जगाए बिना वो अकेली ही लालटेन लेकर आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। आवाज उसके दादाजी फ्रैंक के बंद पड़े स्टोर रूम से आ रही थी। वहाँ मौजूद किताबों में रिस की नजर रेडियो फ्लैश किताब पर गई। ये किताब रिस के दादाजी फ्रैंक ने ही लिखी थी। वहीं पर एक टेबल पर रेडियो को कपड़े से ढका गया था। इस रेडियो पर फ्रैंक ने एक फ्रीक्वेंसी सेट की थी जिसके जरिए ही उनसे बात की जा सकती थी। फ्रैंक ने कई सालों पहले ही आज के हालातों का अनुमान लगा लिया था, इसीलिए वो दुनिया से दूर एक पहाड़ी पर अपना जीवन बिताने लगे। रेडियो ऑन करके रिस ने फ्रैंक को शहर में हुए हादसे के बारे में बताया, पर फ्रैंक ने इससे भी ज्यादा खतरनाक आने वाले परिणामों के बारे में बताया। दादाजी अपने पोती को अपने पिता के साथ पहाड़ी पर बुला रहे थे ताकि वो सुरक्षित रह सके। फ्रैंक ने एक नक्शा और रेडियो फोन के बारे में रिस को बताया। सुबह होते ही रिस ने अपने पिता क्रिस को दादाजी से हुई बातें बताई, पर क्रिस के नजर में फ्रैंक एक पागल वैज्ञानिक थे जो जरूरत से ज्यादा सोचते थे। रिस बार बार फ्रैंक से बात करने की गुजारिश करती रही। आखिरकार क्रिस ने अपने पिता फ्रैंक से रेडियो पर बात की। फ्रैंक ने क्रिस को बताया, कुछ ही दिनों में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल फैल जाएगा, शहर में लूटपाट मच जाएगी, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाएंगे। अपनी बेटी रिस के खातिर क्रिस फ्रैंक के पास जाने के लिए राजी हो गया। उन्होंने अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और कार में बैठकर वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। रिस फ्रैंक के बताए नक्शे को देखकर क्रिस को रास्ता बता रही थी। पावर सप्लाई ना होने के कारण सरकार और जनता में गर्मा गर्मी का माहौल बनने लगा। पुलिस ने लोगों को शांत करने की कोशिश की, पर लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। कुछ अफवाहों की माने कोई देश उन पर आक्रमण करने की तैयारी में था। दोनों बाप बेटी कुछ सामान लेने के लिए एक शॉपिंग मॉल गए, पर वहाँ पर लूटपाट का माहौल बना था। ये सब फ्रैंक ने जैसे बताया वैसे ही होने लगा। ऐसे माहौल में लोग अपनी सुरक्षा के लिए शहर छोड़कर जाने लगे। रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था, पर लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। उनमें से एक कार वाले ने फ्रस्ट्रेशन में गाड़ी को टक्कर मारकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ होते ही गाड़ियां तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। थक हार कर रिस की कार में ही आग लग गई। रिस की सोने की वजह से क्रिस बिना नक्शे के ही गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। आग खुलने पर रिस ने देखा कि वो लोग रास्ता भटक चुके थे। रिस नक्शा चेक करते हुए क्रिस को सही रास्ता बताने की कोशिश करने लगी। इस दौरान नक्शे में देखने की वजह से क्रिस का रोड से ध्यान हट गया। उनकी कार एक गहरी जगह जाकर पेड़ों से टकरा रुकी। इस टक्कर की वजह से दोनों ही रात भर बेहोश पड़े थे। सुबह होश आने पर दोनों ने गाड़ी को वही छोड़कर आगे का सफर पैदल तय करने का फैसला किया। दूसरी तरफ पहाड़ी पर फ्रैंक अपने बेटे और पोती के इंतजार करके चिंता में डूबता जा रहा था। दोनों के बीच की दूरी के हिसाब से उन्हें सुबह तक पहुँच जाना चाहिए था। जंगल में बाप बेटी पैदल ही निकल पड़े, पर क्रिस को चलने में कठिनाइयां आ रही थी। ध्यान
ध्यान से देखने पर रिस को पता चला कार के एक्सीडेंट की वजह से रिस की पसलियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। रिस ने पिता के घाव पर जड़ी बूटी लगाकर राहत की सांस ली। कुछ दूरी तक चलने पर क्रिस धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अब क्रिस की हिम्मत जवाब दे गई। उसने क्रिस को मदद बुलाने के लिए कहा। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर रिस पागलों की तरह जंगल में मदद की तलाश करने लगी। खुशकिस्मती से उसे जंगल के एक छोर पर एक फार्म हाउस नजर आया। रिस दौड़ते हुए अंदर मौजूद ग्लेन नाम के किसान से मदद मांगने लगी। वो दोनों तुरंत क्रिस की तरफ बढ़ गए। दर्द की वजह से क्रिस बेहोश हो चुका था। रिस ने अपने पिता को जगाने की बहुत कोशिश की पर दर्द से बेहोश पड़े क्रिस की मौत हो गई। अपने पिता की मौत के बाद रिस अब अकेली हो चुकी थी। ग्लेन ने क्रिस का अंतिम संस्कार कर दिया। अब रिस के पास अपने दादा के सिवा अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा था। ग्लेन मासूम रिस को उसके दादा से मिलवाने उसकी मदद करने लगा। वो उसके दादाजी की तलाश में निकल पड़े। पहाड़ी पर परेशान फ्रैंक अपनी पोती और बेटे की तलाश में निकल पड़ा। वो उनके एक्सीडेंट वाली जगह पर आ चुका था। वहाँ पर गाड़ी की हालत और खून से सना कपड़ा देखकर फ्रैंक को खतरे का अंदेशा हुआ। ढूंढते हुए वो ग्लेन के घर तक पहुँच गया। वहाँ पर सोफे पर क्रिस के खून के धब्बे देखकर फ्रैंक और ज्यादा चिंतित हो उठा। वहीं पर उसे ग्लेन की तस्वीर दिखाई दी। यहाँ पर रिस को लेकर ग्लेन रास्ता काटते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक रास्ते में एक बंद गाड़ी दिखी। गाड़ी के पास खड़े आदमी ने मदद के लिए ग्लेन को रोका। ग्लेन ने खतरा टालने के लिए रिस को एक खिड़की से पिछले कैबिन में भेज दिया। उस आदमी ने बातों बातों में ही ग्लेन को गोली मार दी। ग्लेन की लाश बाहर फेंक कर अब वो गाड़ी पर कब्जा जमाने में सफल हो चुका था। पीछे बैठी डरी सेमी रिस नम आंखों से ये सब देखती रही। उस आदमी ने कबाड़ गाड़ियों के बीच कार रोकी। एक पाइप के जरिए उसने गाड़ी का पेट्रोल निकालना शुरू कर दिया। पास ही एक संकी खड़ा था। उसने बातों में टाइम वेस्ट किए बिना ही आदमी को गोली से उड़ा दिया। इस दौरान मौका पाकर रिस नीचे कूदकर जान बचाने के लिए भागने लगी। उसकी आवाज सुनकर सनकी ने उसे किसी बोरी की तरह उठाकर अपने घर में पटक दिया। बोरी खुलने पर उसे एक दादी अम्मा दिखाई दी जो रिस के उनके इलाके में आने से नाराज हो गई थी। रास्ते में फ्रैंक को ग्लेन की लाश दिखाई दी। फ्रैंक ने ग्लेन के घर में उसकी तस्वीर देखी थी। वो रिस की तलाश में आगे बढ़ता रहा। रात को दादी अम्मा अपने सनकी बेटे और पोते बिली के बारे में बताने लगी। दादी अम्मा अपने बेटे को बेवजह ही पिटा करती थी जिस वजह से वो सनकी बन गया था। दूसरी ओर सनकी अपनी परंपरा निभाते हुए अपने बेटे बिली को पिटा करता था। इन सबसे अलग बिली एक साधारण बच्चा था जो अपनी साइको फैमिली से परेशान हो चुका था। देर रात को सबके सोने के बाद रिस उस सनकी फैमिली से खुद को बचाने में कामयाब हो गई। पर दादी अम्मा को इसकी भनक लगते ही उसने अपने सनकी बेटे को रिस के पीछे छोड़ दिया। कुछ ही समय में सनकी ने रिस को दबोच लिया। आंख खुलने पर रिस ने खुद को एक ट्रैप में फंसा पाया पर रिस को समझने में देरी नहीं लगी कि ये ट्रैप किसी और जानवर के लिए बनाया गया था और रिस का चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। सनकी ने भालू को मारकर रिस के हाथ पैर बांधकर उसे कैद कर लिया। ऐसे ही एक हफ्ते तक रिस उन पागलों के बीच फंसी रही। एक हफ्ते बाद दादी अम्मा ने रिस के सामने एक अजीब प्रस्ताव रखा। रिस को अपनी आजादी के बदले सनकी से शादी करनी होगी पर रिस ने सनकी से शादी करने के बजाय कैद में रहना पसंद किया। रिस को फिर एक बार कैद करके रखा गया। अब रिस कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। उसने हाथ पैर मारकर जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लिया पर वो दरवाजे का ताला खोल नहीं पाई। तभी वहाँ पर बिली आया। वो भी इस नरक से भागना चाहता था। उसने रिस को आजाद किया। अब वो दोनों ही अपनी आजादी के लिए बाहर निकल पड़े। सुबह लड़की को गायब पाकर सनकी का माथा ठनका। वो जंगल में उसकी तलाश करने निकल पड़ा। भागते हुए जंगल में मिले फल खाकर दोनों आगे बढ़ने लगे। अचानक से बिली का पैर फिसल कर वो खाई में गिरने ही वाला था और इन मौके पर रिस ने बिली को बचा लिया। जंगल में एक बड़ी खाई पार करने के लिए वो दोनों एक टूटे पेड़ के सहारे दूसरी ओर जाने लगे। अब तक सनकी उन तक पहुँच चुका था। उसने दोनों पर अंधाधुंध गोलियां दागना शुरू कर दिया। उससे बचते बचाते दोनों एक झील में छुप गए। कुछ देर बाद वो फिर से ऊपर आ गए। तभी वहाँ पर सनकी आ गया। उसकी अपनी बेटी बिली के साथ हाथापाई शुरू हो गई। इस हाथापाई में सनकी की बंदूक गिरकर रिस के सामने गिर गई। सनकी बिली को किसी जानवर की तरह पीटे जा रहा था। सनकी को मारने के लिए रिस ने बंदूक उठाई पर वो उसे शूट नहीं कर पाई। अगले ही पल एक गोली सनकी के प्राण उड़ाकर ले गई। ये गोली फ्रैंक ने चलाई थी। आखिरकार अपने पोती को पाकर फ्रैंक खुश हो गया। अब वो दोनों ही पहाड़ियों पर रहने लगे। बिली को रिस के टैबलेट पर कुछ चेतावनी भरे मैसेज मिले, मतलब दुनिया से खतरा टला नहीं था। इन सब से बेखबर रिस और फ्रैंक अपनी दुनिया में खुश थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।